I'm Dr. Neena Mohta. I'm consultant at Shivalik Hospital, Noida. आज हम आपके साथ बहुत important लेकिन बहुत common topic discuss करेंगे, urinary tract infection. आप ये जानना चाहेंगे कि urinary tract infection क्या होता है, क्या symptoms होते हैं और इसको कैसे diagnose करके हम इसे treat कर सकते हैं. यूरिनरी ट्रैक सिस्टम को इन्फेक्शन को जानने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन होता है. ये इन्फेक्शन किडनीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, यूरेटर्स को कर सकता है, ब्लैडर को कर सकता है या यूरेथ्रा को कर सकता है. ये देखा गया है कि 1 in 5 फीमेल्स अपने लाइफ में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उनको ज़रूर होता है. तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ज़्यादातर लेडीज़ में इसके सिम्टम्स होते हैं कि वो कहती हैं कि हमको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी फीवर भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेन ड्यूरिंग यूरिन पास करने में होता है और उनको कभी कभी अक्सर ये होता है कि नाइट में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है वो होता है ईकोलाई. 95% केसेस में ईकोलाई एक बहुत बैक्टीरिया होता है जो कॉमनली यूटीआई करता है. अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि हमारे को यूरिनरी इन्फेक्शन है कि नहीं है? इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको एक बहुत सिंपल से टेस्ट यूरिन रूटीन और कल्चर के लिए अपना सैंपल देना चाहिए. यूरिन प्रोटीन से हमको पसल्स है या इन्फेक्शन है इसकी मालूम पड़ता है और कल्चर से हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए कौन सी बेस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क करेंगी. कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स को बार बार यूरिन के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में हम लोग डायबिटीज़ को ज़रूर रूल आउट करते हैं कि कहीं डायबिटिक्स पेशेंट्स जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसके अलावा हम लोग कभी कभी अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं कि कहीं किडनी के स्टोन्स तो नहीं है, या फिर अगर नहीं डायग्नोस हो पाता है तो कभी कभी कुछ स्टोन्स जो होते हैं उनके लिए हमें सीटी स्कैन भी एडवाइस करना पड़ता है. यूरिनरी इन्फेक्शंस के मैनेजमेंट के लिए हम लोग बहुत सारी ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनमें कॉमनली होती हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइंस होती है, फॉस्फोमाइसिन यूज़ करते हैं, केफालोस्पोरिंस यूज़ करते हैं और अल्कलाइजर्स. क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में पीएच एसिडिक हो जाता है तो इसके लिए हमको अल्कलाइजर्स पानी में घोल के देने पड़ते हैं. कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या यूरिन इन्फेक्शन में क्रैनबेरी का कोई रोल है? क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, इसका कोई बहुत रोल नोन नहीं है, बट इट हैज़ बीन सीन कि इन अ लिक्विड फॉर्म में क्रैनबेरी जूसेस से यूरिन इन्फेक्शन में लिक्विड्स देने से इन्फेक्शन कम हो जाता है, पर क्लियर कट कोई भी रोल डॉक्यूमेंटेड नहीं है. कैसे हम यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके प्रिवेंशन के लिए जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है इस पर्सनल हाइजीन. आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए. जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आपको वॉश करना चाहिए यूरिन वाला एरिया. सेकेंडली हम कहते हैं टाइट क्लोथ शुड बी अवॉइडेड. इनफैक्ट कॉटन क्लोथ शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान टैम्पून्स या पैड सैनिटरी नैपकिन शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली. कोई भी फूड जो कि हमारे ब्लैडर को इरिटेट करता है जैसे सिट्रस जूसेस होते हैं, अल्कोहल होता है, स्पाइसी फूड्स होते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड. इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल के लिए डायफ्राम शुड बी अवॉइडेड. एंड पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट्स में कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हम लोग ईस्ट्रोजन बेस्ड क्रीम्स भी एडवाइस करते हैं. हाउ सीरियस इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो ये बिल्कुल सीरियस नहीं होता है, बट अगर इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे या आप अपने ड्रग्स टाइम पे नहीं मेडिसिन लेंगे तो कभी कभी इट कैन बिकम सो सीरियस कि आपकी किडनीज में ये सीरियस प्रॉब्लम्स कर सकता है. इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है बट वेरी ईजिली ट्रीटेबल इफ डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड ऑन टाइम. Otherwise, it can lead to very serious complications and kidneys में बहुत ज़्यादा harm कर सकता है. Thank you.